गया, हम बिल्कुल वहाँ से आए। आप देख सकते हो ये पूरे आपको जो टावर दिख रहे हैं वो रोप वे के हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7th वाला ऊपर तक है, आप वो देख सकते हो वहाँ तक। वहाँ आप देख सकते हो एक बंदा काम कर रहा है, एज यू कैन सी आपको मैं बोल रहा था जो लोग काम कर रहे थे। आप देख सकते हो यहाँ कुछ इस तरह से लोग काम कर रहे हैं। रोप वे का काम शुरू तकरीबन 70 या 80% काम कंप्लीट हो चुका है। आपको मैं रोप वे भी दिखा है, सिर्फ थोड़ा ही काम बाकी है फाउंडेशन का। आपको मैं ऊपर जाके दिखाने की कोशिश करूँगा अगर दिखा सकूँ तो। लेकिन दोस्तों ये लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, आप देख सकते हो नज़ारा कितना खूबसूरत है। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो हम अंबाजी तक पहुँच गए, तकरीबन आधे तक पहुँच गए। आपको कुछ इस तरह से गेट देखने को मिलेगा और इस तरह आप देख सकते हो ये मंदिर है। दोस्तों अंदर कैमरा अलाउड नहीं है इसलिए मैं आपको वो नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन आप देख सकते हो कुछ इस तरह से मंदिर है जैसे कि आप देख सकते हो। एज यू कैन सी हम अभी अंबाजी मंदिर तक आ गए, तकरीबन 5000 स्टेप कम्प्लीट होने के बाद आपको देखने को मिलेगा। शायद अंदर से आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा अगर हो सके, अगर कैमरा अलाउड होगा तो आपको मैं दर्शन कराने की कोशिश करूँगा। आप देख सकते हो हमको ये पूरा दत्तात्रेय शिव करे, यहाँ तक जाने की हम सोच रहे हैं, अगर पॉसिबल होगा तो आपको वो भी मैं दिखा दूँगा। फाइनली आगे जाने का सोचा है, अब देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। आगे और 2000 स्टेप्स यानी कि सीढ़ियाँ है, अब देखते हैं। वो ये लोग बोल रहे हैं कि तकरीबन 1 घंटे में आप चढ़ के वापस आ जाते हैं, अब देखते हैं कितने टाइम में होता है। अभी तकरीबन बजे 9:13 हुए, अब देखते हैं मैं कितनी देर में हम कवर अप कर सकते हैं। आपको मैं नज़ारा दिखाने की कोशिश करता हूँ यहाँ से कैसा नज़र। तुम सी गए यहाँ से कुछ ऐसा दिख रहा है, और हम यहाँ से यार वो अंबाजी मंदिर है और आप देख सकते हो पूरी और कैसे बादल है, बिल्कुल ही कवर अप हो चुके हैं। आपको मैं यहाँ से भी दिखाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ से पूरी डिलीवर कर रही है जी सर। और ये सौर भी बिल्कुल रिखा है, देख सकते हो कुछ। गाइस हम आधे तक ही जाने वाले हैं, पूरे तक जाने वाले नहीं, लेकिन जितना जाऊँगा आपको मैं उतना दिखाता रहूँगा, जितना कोशिश होकर उतना। अभी आप देख सकते हो मेरे फेस पे सामने से ही धूप आ रही है, आपको मैं पीछे का कुछ नज़ारा दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये कुछ पीछे से कुछ इस तरह से लग रहा है जब आप चढ़ोगे सीढ़ी तो आपको अपने आप ही, लेकिन नज़ारा दोस्तों बिल्कुल ही एकदम अच्छा है। आपका पूरी थकान उतर जाएगी, आपको जितनी भी थकान होगी सिर्फ नज़ारा देख दो। हम देख सकते हो एज यू कैन सी गाइस, सोचा थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। वो अपने साथ अपना खाना कैरी करता है, आप चाहे तो कैरी कर सकते हैं अगर आप वेट कैरी कर सको तो। आप जैसे कि देख सकते हो मैंने अपना सारा खाना अपने साथ कैरी किया, ये पीनट बटर, ये ब्रेड और ये सैंडविच हम ऐसे कुछ खा रहे हैं जैसे पूरे एटमोसफियर में, आप देख सकते हो। दोस्तों यहाँ खाने का भी बहुत मज़ा आ रहा है, इतनी ज़्यादा मेहनत कर लो। सो गाइस आपको एक व्यू दिखाता हूँ, हम देख सकते हो पीछे की ओर पूरी तरह से बादल आ चुके हैं। अब पूरा देख सकते हो, अब हम पूरा ऊपर चढ़ने वाले हैं, लेकिन दोस्तों मैं पूरा जाने वाला आपको सिर्फ दिखाने वाला हूँ कि यहाँ से कितना दूर है। अब देख सकते हो पूरा यहाँ तक आ जाओगे तो थोड़ी एक दिक्कत होगी, काफ़ी टाइम को मोबाइल का नेटवर्क नहीं मिलेगा। एयरटेल का दोस्तों मिल रहा है लेकिन वोडाफोन का मिल रहा है, ये अच्छी बात है। अगर आपके पास वोडा फोन है तो कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों यहाँ पहले सब कुछ दिख रहा था, अब देख सकते हो यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, बुरी तरह से फॉग नहीं कि क्लाउड से कवर हो चुका है, देख सकते हो। और दोस्तों यहाँ ऊपर आप जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, आगे भी कुछ ऐसे रोड है, रास्ता हम जाने वाला नहीं, हम यहाँ से वापस मुड़ जाने वाले। सो गाइस अब हम लोग नीचे उतर रहे हैं, अभी मैं आपको टाइम दिखा दूँ, अभी तकरीबन 9:53 हुए यानी कि 10 बजने में तकरीबन 5 या 8 मिनट बाकी है। अब देखते हैं हम कितनी देर में नीचे उतर सकते हैं,
जितना हो सके उतना फास्ट उतरने की कोशिश करेंगे सीढ़ियाँ, देखते कि नीचे से उतर सकते हैं। जो अच्छा लगे बीच में आपको मैं दिखाता जाऊँगा। गाइस अगर आप लोग सोच रहे हो यहाँ पर आने की तो यहीं वेदर बेस्ट रहेगा। अगर आप सोच रहे हो तो अभी इसी टाइम आना बेस्ट रहेगा, आप देख सकते हो। लेकिन अगर आप समर में आएगे तो इतना आपको मज़ा नहीं आएगा, अगर आप ठंडी में भी आओगे तो इतना आपको कुछ देखने को मिलेगा, अगर आपको ऐसा सब माहौल भी देखने को नहीं मिलेगा। तो गाइस जब आप लोग नीचे उतर रहे हो, जब आप लेडर्स तो बीच बीच में रुक के थोड़ा अपना लेग स्ट्रेच करते हैं ना, जिससे थोड़ी आसानी हो गई आपको नीचे उतरने में। अब दोस्तों अब मैं आपको कुछ दिखाने लायक होगा तो ही दिखूंगा, वरना आपको सीधा नीचे मिलता हूँ स्टार्टिंग पॉइंट पे।